हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं ओंडेन MD4 टेबलेट के बारे में। मतलब इसके अंदर रहता है ओंडेन सेट्रोन, जो कि 4 mg में इसके अंदर रहता है। इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या डोज हैं, क्या प्रिकॉशन है, कितनी उम्र तक के व्यक्ति को इसे दिया जाना सही रहता है। तो यह एंटी इमेटिक ग्रुप की मेडिसिन है। मतलब कि आपको यह एक ग्रुप की मेडिसिन है। तो ओंडेन MD जो है, आपको उल्टी आना, जब आपकी उल्टी जैसी इच्छा होती है, जी मचलाना हो सकता है, जब आपको उल्टी की इच्छा होती है तब आप इसे ले सकते हैं। या सफ़र करते समय किसी व्यक्ति को उल्टियां आने लगती हैं, घबराहट होने लगती है। किसी व्यक्ति को क्या होता है, उल्टी तो इच्छा तो होती है पर वह उल्टी नहीं हो पाता है, उसे बोलते हैं जी मचलाना। ऐसी कंडीशन में आप इस टेबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यह 4 mg में, 8 mg की स्ट्रेंथ फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है। ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है, बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और इंजेक्शन फॉर्म में भी ये उपलब्ध रहता है। तो यदि आपको उल्टी आ रही हो या जी मचलाना हो रहा हो तो आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। 8 mg को आप ले सकते हैं एक बार, इसे आप खाना खाने के पहले या बाद में भी ले सकते हैं। ये टेबलेट और सिरप और इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल रहता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं इसके। तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में दर्द होना या कब्ज होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। और इस टेबलेट को आपको 4 साल से छोटे बच्चों में यूज़ नहीं करना है, और जो महिलाएं दूध पिलाती हैं उनको भी नहीं देना है, क्योंकि ये जो दवाई है ये दूध के साथ बच्चे तक पहुँच सकती है, तो उसे कुछ हानि हो सकती है। और बात कर लेते हैं आप ओवरडोज में क्या क्या हो सकता है। ओवरडोज में आपको इसे पेट में दर्द हो सकता है, स्किन पर रेशेस हो सकते हैं, तो आपको इसका ओवरडोज नहीं लेना है। और ये हमारे शरीर पर कितने समय तक असर करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 8 से 10 घंटे तक हमारे शरीर पर असर अपना करती है। ये सीरोटोनिन जो हार्मोन होता है उसको ब्लॉक करके अपना काम करती है। उस हार्मोन को ब्लॉक करने से हमें जी मचलाना या उल्टी होना जैसी इच्छा नहीं होती है, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। और इसको डेक्सामेथासोन के साथ नहीं देना है, क्योंकि ये ओंडेन सेट्रोन को और ज़्यादा प्रभावित करती है, मतलब उसके इफ़ेक्ट को ज़्यादा बढ़ा देती है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आप इसे सिंगल फॉर्म में ही लेना है। आपको जब ओंडेन सेट्रोन लिए तो आपको डेक्सामेथासोन नहीं लेना है। और यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी है, लीवर से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित, तो अपने डॉक्टर को पहले ही आप सूचित कर दें, ताकि वो आपको उस प्रकार डोज बता दें, उस प्रकार आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। ये मार्केट में ओंडेन सेट्रोन जो है कई नाम से अवेलेबल रहता है, जैसे इमीसेट आता है, इमीट्रोन आता है, इमीसेट्रोन आता है, ओंडेम आता है, ओसेट्रोन आता है, ऐसे कई नाम से ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। मैनकाइंड कंपनी की आती है वोमिकाइंड, तो आप इसे किसी भी नाम से ख़रीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप ओंडेन MD नाम से ही इसे ख़रीदें। तो ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, जो कि आपको उल्टी होना, जी मचलाना में आप इसे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।